सर, सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आपको टैग करते हुए एक आज ट्वीट किया है, जिसकी भाषा उन्होंने ये लिखी है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कुर्सी के लालच में हरियाणा की जनता के वोट और विश्वास का सौदा किया और अब झूठे मुकदमे वापसी के नाम पे सौदेबाजी कर रहे हैं। आपको टैग करते हुए दीपेंद्र जी बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मगर वो ये भूल जाते हैं कि इतिहास से उनके पिताजी को कोई नहीं भूल सकता। हमने तो गोली नहीं चलाई, आदमी नहीं मरा, मगर 10 साल के कांग्रेस के राज में टीचर के भी गोली मारेगी, किसान के भी गोली मारेगी, मारुति के अंदर जो हुआ वो भी उनके राज में हुआ। और सौदे क्या होते थे, नौकरी लगा देंगे, धरना उठा दें। इसी किसान की हमने तो बात सुनते हुए चाहे केंद्र सरकार से आग्रह किया कि आप तीनों कानून वापिस करो, उनकी सरकार में तो 60,000 एकड़ जमीन की CLU बदल कर अपने दामाद को, सोनिया गांधी के दामाद को दिलवाने का काम किया। वो इस तरह की भाषा का उपयोग करें, मुझे बड़ा दुख होता है। वो अपने 10 साल के काले इतिहास को देखें, फिर इस तरह की टिप्पणी। देखिए, काला इतिहास तो सारी देश और दुनिया ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी और जजपा अपने गले में अपने गरिमा में झांक कर देखें कि किस प्रकार से 700 से ज़्यादा किसानों ने शहादत देने का काम किया। ये लोकतंत्र है हमारा, जिसमें लोगों की आवाज़ को पूरी तरह से सुना जाना चाहिए। इस सरकार ने लोगों की आवाज़ को दबाने का काम किया है। मैं केवल उनसे कहना चाहूँगी, आपको प्रदेश की जनता ने तो खैर मौका नहीं दिया था आपने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के साथ जो सरकार बनाई है, कम से कम जो समय बचा है उसमें आप प्रदेश को पीछे ले जाने की बजाय आगे ले जाने का काम करें। और हुड्डा साहब की चिंता करने की उनको आवश्यकता नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश 10 साल के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज को याद कर रहा है, देख रहा है। हर 36 बिरादरी, हर वर्ग बहुत ज़्यादा खुश था। आज उनको याद आ रहा है कि किस प्रकार से कांग्रेस राज में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय में, चाहे वो किसानों की बात हो, गरीबों की बात हो, मजदूरों की बात हो, युवाओं की बात हो, रोजगार देने की बात हो, व्यापारियों की बात हो, सबसे बड़ी बात लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की बात हो, हर वर्ग खुश था। तो मैं कहना चाहूँगी वो आज राज में है, अच्छे ढंग से राज धर्म का पालन करने का वो कार्य करें।